गुड इवनिंग एवरीवन। तो आपन स्टडी विथ केसीपी चैनल को स्वागत। तो ओडिशा पुलिस तुम जो फिजिक्स मुझे अलरेडी जोड़े तुम विषय अलरेडी खत्म कर सारे। तो जो मैंने भी देखी ना भिड प्रिवियस दुईटा भिड जाकि देखिए डिस्क्रिप्शन देदेवि ता लिंक। तो जो मैंने भी कमेंट करसंती मोर जो गोटे क्वेश्चन भूल था तो मुझे ठीक माने जानी पारिथिबे। तापर आउट जिनस हो जो मैंने भी देखो आउ लास्ट तुम रहा केते दिन कह गले लगभग तुम 22-23 दिन रहा। ठीक अच्छे। तो 22-23 दिन ना कि खाली मोर वीडियो देखी सर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर हे सहीटा नुहे। कहीं देख एति सर्ट क्वेश्चन बहुत माने नुह बहुत कम कह गले मुझे इम्पोर्टाट जो लगुच कि हाँ ना पढ़ला भाया से बास कराऊँगी कितु तुमको एक्सट्रा किसी देखा पड़ो बही भल कर विभिन्न डिफरेन्ट एमती नुह कि एति क्वेश्चन आठ भी बहुत क्वेश्चन तुमको कराया पड़ो। ठीक अच्छे। तो कंप्यूटर भी मोर ओडिशा पुलिस करियर अच्छी बट टिके टाइम होनी तो से निहती करदेवी। तो वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व जो मैंने भी चैनल को नुआ कर चैनल को निहती भाव सब्सक्राइब करेंगे शेयर करिया हो लाइक करदेवे। तो आज पढ़ा आमर वर्क पावर एनर्जी रो किछटा इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक अच्छे चलतु। फास्ट क्वेश्चन देला द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होची वर्क डन फोर्स आउ डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू इज इक्वल टू कौन एफ एस वर्क डन। ठीक अच्छे। यहाँ मन रखी यूनिट तार पचारे तो फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन बगे डिस्प्लेसमेंट मास तो से अनुसार तुम यूनिट बाहर कर और डायमेंशन बाहर कर। दुई नंबर क्वेश्चन व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क एसआई यूनिट मन रखी था सब वर्क एसआई यूनिट होची जूल आउ सीजीएस यूनिट हो तार अर्ग तेणु आंसर हम जूल बर्तमान सीजीएस यूनिट हम कौन तार अर्ग। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा इफ एंगल ऑफ वर्क डन मोर देन 90 डिग्री। मन रख एटा बहुत भल इंपोर्टाट क्वेश्चनटा जी एंगलटा वर्क डन 90 डिग्री टू अधिक हम सब मन रखी था वर्क तार कौन हम पॉजिटिव हम जी कम हम तेल नेगेटिव हम। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 4 नंबर जीरो वर्क मीन्स दैट फोर्स इज। देखो जीरो वर्क मीन्स कौन तुम कौन भी वर्क करना तो जब फोर्स आउ तुम डिस्प्लेसमेंट कहबी तो यहाँ तार जीरो वर्क मीन्स तार सब फोर्सटा तार परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट सहित रहा। देख तुमको डिटेल्स मुझे कहींपारे कहीं देख बहुत टाइम थियोरी तुम कला बहुत समय पड़ेगा खाली सर्ट क्वेश्चन जस्ट तुम खाली मन रखिदि। नेक्स्ट देला व्हेन ए बॉडी इज मूव्ड अलॉन्ग ए सर्कुलर पाथ। सपोज गोटे बर्थडे आलंग सर्कुलर सर्कुलर पाथ कौन ये देख यू स्टार्ट कला थर स्टार्ट कला तो ये लास्ट घूरी 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 आस लास्ट को ये हिं एंड है तो जो स्टार्ट कर आसिक तरह एंड होती तो सर्कुलर पाथ्रे से रोटेट कला बेले विथ द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग गोटे स्ट्रिंग सहित डन इज तेल कौन हम देख जो अच्छे तो यहाँ हम वार्कटा कौन जीरो वार्क हम मन रख कौन हम जीरो वार्क। नेक्स्ट देखा कैपेसिटी ऑफ डूइंग वार्क कौन कहुए कैपेसिटी ऑफ डुईंग वर्क कैपेसिटी ऑफ डुईंग वर्क सब गोटे जिनस तरह कम जन कर तो सहीटा जी तरह कैपेसिटी कम से कौन कहुए धर जड़े कम कर एनर्जीटा मिलूँ तो सहीटा यहाँ आंसर हम कौन कैपेसिटी ऑफ डुईंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा 7 नंबर व्हेन मोमेंटम इज डबल द काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। देख ये क्वेश्चन आसते पे टे घाबरी जाती कौन डबल ये देख एटा किसी नॉर्मल ना तुम जान काइनेटिक एनर्जी केमते बाहर काइनेटिक एनर्जी गोटे हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक अच्छे। से कही कौन मोमेंटमटा तुम डबल हम मोमेंटम डबल माने कौन हम एमटा डबल हो देख सरी व्हेन मोमेंटम इज डबल तो मोमेंटम माने कौन पी। ठीक अच्छे। तो पी इज इक्वल टू कौन आम जाचे पी इज इक्वल टू आम जाचे एम भि पी इज इक्वल टू जाचे एम भि तो मोमेंटम माने तुम कौन कह पी। ठीक अच्छे। यहाँ डबल हो तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। ठीक अच्छे ना नाई तो ये तुम रिलेसन को लेकिन देखिपार मोर से जस्ट मन पड़नी मोमेंटम कौन त रिलेसनटा ये आंसर हम तुम 4 टाइम्स टी देखिनब मोर भलसे मन पड़ना। 8 नंबर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन गोटे बॉडीर काइनेटिक एनर्जीटा क्या डिपेंड कर तो काइनेटिक एनर्जी आम जाने कौन हाफ एम बी स्क्वायर तो बोथ कौन कर डिपेंड कर वेलोसिटी डिपेंड कर आंसर हम बहुत मास एंड वेलोसिटी। देख यदि बुझी होनी निहती कमेंट दब मुझे आउटे भलसे भेरीफाए कर ट्राए करी कितु ये जिनस गुड़ा नुह जी तुम थीओरी अनुसार पढ़ाए तो बहुत भलसे बुझीपार कि जेहतु क्वेश्चन कर सबकि भलसे बुझे पारनी। नेक्स्ट देख एटा भल क्वेश्चन रे व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम एन एरोप्लेन सपोज ये रहा तुम एरोप्लेन ठीक अच्छे गोटे बॉडी ये द्वारा खसला 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 देख जितेबाला एरोप्लेन रहा तो से पाखे कौन थाए सब मन रखी था पोटेंशियल एनर्जी थाए कौन थाए पोटेंशियल एनर्जी जितेबाला से तलू को खसे बॉडीटा तो से तार कौन हुए ना काइनेटिक एनर्जीटा इनक्रीज होता है। यहाँ बहुत इंपोर्टेंट कनसेप्ट मन रख जो भी हो तले था उपरू गले भी तार जो स्टेज थी भी तार पोटेंशियल एनर्जी थी कितु जिते वान्स मूव स्टार्ट कर काइनेटिक एनर्जीटा इनक्रीज करने ट्राए कै ठीक अच्छे तो मन रख काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट कही ए फ्लाइंग एरोप्लेन पजेस अफ देख फ्लाइंग एरोप्लेन कही गोटे एरोप्लेन धर रहा यहाँ धर एरोप्लेन रहा देख सब दुईटा जिन गोटे गोटे वस्तु थाए सब मन रखे गोटे जिन हूँ काइनेटिक एनर्जी आउट जिन हूँ तुम पोटेंशियल एनर्जी ए दुईटा जिन थाए ठीक अच्छे तो बॉडीटा जो मूव करा ट्राए कर आइदर तलू को आसी कि ऊपर को जाऊ तो से तार काइनेटिक एनर्जीटा इनक्रीज होता है। मो कथा बुझीपार ना बुझीपार गोटे बॉडीटे धर स्टे हो रहा जिते सी तलू को आसब से तार कौन हम काइनेटिक एनर्जीटा इनक्रीज करता है। यहाँ आंसर हूँ काइनेटिक सॉरी बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखिए द डायनामो इज ए डिवाइस कन्वर्टिंग देख ये दुईटा क्वेश्चन पचार पकई तुम यहाँ दस पकेब तो डायनामोटा कौन कर जो जिनसा थाए तो सैटा कौन तरह जो मेकानिकाल एनर्जी था से मेकानिकाल एनर्जी से कौन कर इलेक्ट्रिकाल एनर्जी रे कन्वर्ट कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट हूँ द इलेक्ट्रिक सेल इज ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिक सेल तुम जो रोचे इलेक्ट्रिक सेल जो बैटेरी हो सेटा सेमती कौन कर ना केमिकल एनर्जी की तार इलेक्ट्रिकाल एनर्जी रे कन्वर्ट कर ठीक अच्छे। नेक्स्ट देखा इन व्हिच प्रोसेस लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी देख लाइट एनर्जी सूर्य ठार्थ तुम किरणटा आसूँ तो से कौन होची धर सपोज कौन गछ रहा तो ये धर सूर्य किरण ये पड़ा तो पत्रटा कौन यूज कर तार जो से सारा खाद्य तार प्रस्तुत जमी करें तो कौन कर तार लाइट एनर्जी सूर्य किरण टाक यूज कर तार खाद्य पत्र खाद्य तैयारी कर तो सहीटा कौन कर फोटोसिंथेसिस कौन कहुए फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हूँ रेट ऑफ डुइंग वर्क सब मन रख गोटे कम कर शक्ति जो कम कर सामर्थ्य को आम कौन कहुए पावर कहुए मन रख पावर केमती बाहर ना डब्ल्यू इंटू टी वर्क इंटू टाइम ठीक अच्छे तो यदि यूनिट पचारे डब्ल्यू पकईदेव एफएस टाइम पकईदेव से भाई आईपर। नेक्स्ट 15 नंबर वन हॉर्स पावर इक्वाल टू देख वन हॉर्स पावर इक्वाल टू तुम कौन हम ना 746 वाट हम के हम 746 वाट मन रख बहुत बहुत इंपोर्टेंट ये परीक्षा भी बहुत थर पड़ी जदि कह जाए वन हॉर्स पावर इक्वल टू ब्रिटिश सिस्टम रे एटा हूँ तुम कौन जदि एटा जो ब्रिटिश सिस्टम कि मेट्रिक सिस्टम के हम मेट्रिक सिस्टम मन रख 735 तुम रोच 5 वाट ठीक अच्छे ये मन रख कि प्राय सब एमती ब्रिटिश कि मेट्रिक पकानी डायरेक्ट पकई दिए वन हॉर्स पावर मन रख 746 वाट। नेक्स्ट 1 किलोवाट आवर देख 1 किलोवाट आवर के हम तुम 3 × 3.6 × 10⁻⁶ जूल केमी हम देख गोटे किलोवाट के तुम 3600 जूल ठीक अच्छे 3600 गोटे वाट तो ये मिसीज के किलो मान के वाट आवर है 3600 तो किलोवाट 1000 मिसीज तो है 3.6 × 10⁻⁶ जूल निजे बाहर करके देखीदेव ठीक है बुझीपार कि देख वन तुम वाट आवर थर रहा 3600 किंतु 1 किलो के रहा 1000 तो 1000 रहा तो एमती गलापर तुम 1000 रहा ये 1000 रहा पर ये देख 6 शून्य हो 3.6 × 10⁻⁶ जूल मन रखिए। द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड द एंगुलर एक्सीलरेशन इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आउ द एंगुलर एक्सीलरेशन तो यहाँ कह तुम कौन मन रख टर्क्यू कह टर्क्यू 1 वाट आवर जोटा ये कहूँ तुम 3600 जूल बहुत बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन दुटाक यहाँ ठीक अच्छे तो ये तुम जस्ट मत लगुच ये भितर ही तुम क्वेश्चन शेष हो वर्क पावर एनर्जी रो तो वीडियो भल लगी निहती चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू।